राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो अभी टाइम हुआ है 9 बजे सुबह के। इधर आओ बंदर। अरे मेरा भाविक है, सॉरी बंदर नहीं है, ये मेरा बेटा भाविक है। देखो मैं घर। सोफे पे पड़ी हो गए थे बाहर। देखो मैं घर। शायद कल यही देखी। देखो मैं घर। कहाँ है? जरे मेरे घर देखो, ये मेरे घर है भाई। लेकिन दूसरे में पड़ी हुई थी यहाँ बड़े सोफे पे, घर में बैठी थी। किंडर जॉय में खाई थी। हाँ यहाँ थी, मैंने किंडर जॉय खाई थी जब निकली थी। जब मैंने निकाली थी। तो भाई अभी 9 बजे हैं और मैं जा रही हूँ पार्लर में, क्योंकि सुबह सुबह का ही मेरे को टाइम मिला। वहीं पे पार्लर वालों ने मैं बोलूँगा कि मैं प्रोटीन लेने जा रहा हूँ। हाँ इसको याद है, इसका प्रोटीन पाउडर लाना। और कुछ भूल जाएगा, अपनी चीज नहीं भूलने देगा। ये मेरे बेटू इतने बड़े वाला लाना है। इतने बड़े में को तमन्ना तने मैं चाय मंगाई इतने बड़े में। तो भाई आज मैं पहली बार करवाने वाली हूँ O3 का फेशियल, जिसकी कि मैंने सिंगल किट हटा ना भाविक दिखाने दो। मैंने ना सिंगल किट परचेज की थी पर्पल से, तो ये वाली है प्रोफेशनल O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट विटामिन सी ग्लोइंग स्किन सिंगल यूज। तो ये वाली मैंने किट परचेज की थी पर्पल से, और इसका वैसे तो प्राइस है 700 के अराउंड कुछ, बट वही ये ना कि ऑफर चलता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हाँ 700 ही है मेरा इधर में, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये मेरे को ऑफ़र में अफोर्डेबल पड़ गई थी, सही मिल गई थी। तो और फिर इसका ये है कि खुद से करने में नहीं पता कैसे सही गलत के क्या हो जाए, तो इसी वजह से फिर मैंने पार्लर वाले से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे। तो फिर आज वहीं जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे कौन से पार्लर में, फिर आप सवाल करते हो कि कहाँ पे करवाए, क्योंकि हेयर कट पे बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे। क्या हुआ? परा दो, जब बेड पे परी परा दो, पहन ले पहन ले पहन ले। भाई को रात को ना थोड़ी सी वो छींक आ रही थी तो मैंने कैप पहना दी, और अभी निकल रहे ना तो अब फिर वही बोल रहे मेरी कैप पहनाओ मेरी कैप पहनाओ। मतलब इतनी ठंड है नहीं, इसको कैप पहननी है, बच्चा है ना तो अपनी माया में गुम रहता है। तो इसी वजह से हाँ हेयर कट पे आप लोगों ने बहुत सवाल किए, क्योंकि मैंने वहाँ का व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो आज फेशियल की बारी है, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं वहाँ का। ये भगवान ये सॉक्स भी क्यों उठा लाया? नहीं लेंगे ना वहां से, कैप भी नहीं लेंगे, दे दो लो गंदी सी कैप है। नहीं ये तो अच्छी है, अपने तो कल बनाई थी। कल बनाई थी, ये अच्छी नहीं है। आज नहीं दिलवाएंगे। मैं नहीं दिलवा दूंगी। हाँ। इसको वहां साइकिल पे रख दो, हम नई कार लेंगे। हाँ नहीं दिलवा दूंगी, अभी इसको रख दो, दिलवा दूंगी मैं नहीं। हाँ चलो जाओ रख दो इसको, है ना साइकिल पे रख दो अच्छे से। रख दिया अब चले। हाँ अब चलो भाविक को मैं उठा लूँ। हाँ। मैं हाँ। आप मेरे को उठा लो ना। नहीं, क्यों? मैं अरे मेरी मैया इतने बिग बॉय को मम्मी उठाएगी। क्या है इतने सारे? मैं एक तू हूँ, एक आप, एक मैं हूँ। एक भाविक है, है? क्या है? क्या लिया है आपने? ये तो नहीं है किंडर जॉय, तो टॉय है ना टॉय। तो भाई फेशियल करवाने के लिए मैं ये वाले पार्लर में आई थी, हाई फाई मेकओवर्स, और ये है गांव प्रहलादपुर में। जो मेरे आसपास से हैं जो दिल्ली से हैं वो जान ही जाएंगे कि ये कहाँ से है बवाना वाले। और प्रहलादपुर में ना जो मेन स्टैंड है एक पार्लर इनका वहाँ पे है, और एक यहाँ 972 वाली मोड़ पे इन्होंने न्यू ब्रांच ओपन की है। और तो फिर यहाँ पे अंदर आ चुकी थी मैं, फिर ये जब पैकेट खोला तो उसमें 3-4 पैक्स निकले थे। तो उसके अंदर ना मतलब टोटल 10 स्टेप थे इस फेशियल के अंदर, और 10 स्टेप्स को हमें नहीं पता कि वो हमें कैसे करने होते, तो इसीलिए
आप इसको मतलब इस फेशियल को पार्लर में ही कराएं, और इस फेशियल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और पर्पल पे अभी सेल भी चल रही है, तो सेल का लिंक भी आपको 50% प्लस 10% ऑफ मिल रहा है पर्पल पे, तो जल्दी से जल्दी आप परचेज़ कर लीजिएगा। और साथ में आप मेकअप किट भी ऑफर की जा रही है कि लक्की विनर्स को मेकअप किट भी मिलेगी, जिसकी कॉस्ट होगी 5,000। खाना खाया था? खाओ आप, खाओ, बोलो, खाओ जल्दी से, ऐसे मैं खिलाती हूँ। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा प्रसाद है। तो भाई मेरा फेशियल हो चुका और सर्विस दी बेस्ट, मतलब एक होती है कहने वाली बात, एक होती है पर्सनली रिकमेंड करने वाली बात। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी, और आंटी के पार्लर की जो लोकेशन है, जो फ़ोन नंबर है, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। एक बार सर्विस ज़रूर देकर देखना, एक बार मौका बनता है। रोहिणी वाले जो हैं, जो बवाना साइड से हैं, प्रहलादपुर से हैं, बवाना से हैं, औचंदी बॉर्डर है, आसपास का जो भी एरिया है, कोई दूर नहीं है। अगर आपको बेस्ट सर्विस चाहिए, मैंने आपको पता है कि मैं घर पे भी पार्लर वाली बुलवाई है, घर पे भी सर्विस ली है, पार्लर में भी गई हूँ, हबीब में भी गई हूँ, बट वो सर्विस नहीं मिली जो आज यहाँ पे मिली। बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, नहीं थैंक यू आपको है, थैंक यू। और अभी अभी ये दो पार्लर हैं आंटी के, एक जो प्रहलादपुर गांव है वहाँ पे मेन गली के अंदर, ना मेन गली के अंदर है, और दूसरा यहाँ पे है 972 वाली रोड पे और मुहूर्त हुआ है इस वाले का अभी, तो लड्डू खा लो भाई, सारे सारे लड्डू खा लो। और बाकी सारी डिटेल्स जो होंगी आंटी की, पार्लर की, फ़ोन नंबर की, लोकेशन की, गूगल की लोकेशन मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आने से पहले आंटी को फ़ोन कर लेना, कब किस टाइम फ्री हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो पार्लर मतलब ब्राइडल का जो होता है, वो भी आंटी प्रोवाइड करती हैं। हाँ, आंटी की बेटी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो बेस्ट सर्विस मिलेगी। और जो हेयर ट्रीटमेंट होते हैं वो भी हैं, पार्लर मतलब ऑल सारी फैसिलिटीज़ यार, जो भी आपको चाहिए सारी अच्छे से जो है आंटी दे देंगी। और बताओ आंटी कुछ और कुछ? हाँ और भाई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, आप आके बताना आंटी होगी, एटमॉस्फेयर मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो चलो भाई अब लड्डू खा लो और मैं भी खा लेती हूँ, और फिर मिलते हैं घर जाके। अभी टाइम हो चुका है 4:30 का, और वहाँ से आई थी मैं 12:30 के अराउंड, मतलब 2-2.5 घंटा लग गया था फेशियल में। और इतनी अच्छी मसाज मिली ना कि मेरे को घर आने के बाद, मतलब गाड़ी में ही नींद आनी शुरू हो गई थी, इनका यार यही सोने दो मेरे को, बट फिर ये बोलते कि थोड़ी सी 4 कदम की दूरी है, इस पे भी जिन सोना है। तो फिर मैं घर आई, आके खाना बना के गई थी, इनको दिया, खुद खाया, खा के और बस फिर मैं वहीं पे चित। सॉरी, अभी चाय बनाऊंगी, क्योंकि फिर हम मैं सो गई, फिर रविनय सो गए, और फिर हमें देखते देखते भाविक भी सो गया। भाविक क्यों पीछे रहता, शुरू में तो वो ही बोल रहा था कि मैं टीवी देखूंगा। तो हमने टीवी चला के और छोड़ दिया, मैं सो गई, वो सो गए। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली थी, 2 बजे सोई थी मैं, अभी 4:30 हो रखे हैं, 2 घंटे सोई हूँ। और उस बीच बीच में ना मेरे को ये था कि भाविक पे नज़र रखनी, कि भाविक बाहर ना चला जाए, गिर ना जाए, ये वो कर क्या रहा है, इधर उधर कहीं बिजली बिजली में हाथ ना लगा दे। तो वो फिर सो गया थोड़ी देर तक, तो उसने अपना वो देखा मोटू पतलू, और फिर उसके बाद वो भी सो गया। तो फिर उसको भी सीधा किया, लटाया बीच में ही, और फिर मैं सो गई। फिर उठ के यहाँ पे अभी मेरे को हो गया 20 मिनट उठे, तो फ़ोन चेक कर रही थी ऐसे ही इधर उधर क्या हो रहा है और अभी चाय बनाऊँगी, फिर मैंने को उठाऊँगी, चाय पियेंगे, और परसों करवा चौथ है। और ये रेडनेस देख रहे हो आप, ये वो है
लिपस्टिक के स्वाच में दिखा रही थी ना, ये वो है भाई, इतनी पक्की लिपस्टिक भी ना नुकसानदायक हो जाती है, जो उतर के ही ना दे करे क्या उसका हम। कई बार ऐसा हो जाता है कि लिपस्टिक ना उतारने का वो होता है कि उतार दो इसको उतार दो, पर वो उतरती नहीं है भाई, परेशान कर देती है। तो चलो चाय बनाती हूँ और फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 7:30। कल इस व्लॉग को एंड नहीं कर पाई और आज इतनी सुबह सुबह क्योंकि विनय गए आज स्कूल बहुत दिनों के जून के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो इतने महीनों के बाद आज वो घर से निकले हैं स्कूल के लिए कि हाँ आज फाइनली स्कूल जा रहे हैं। तो और वो टिफ़िन विफिन लेके अभी जस्ट टाटा बाय बाय करके आई हूँ, वो गए हैं और अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, पराठे आलू की सब्जी और चाय। तो आप सब भी आ जाओ भाई, और इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी छोटा सा तो नहीं बहुत बड़ा हो गया है बोलते बोलते, अभी ये अभी वो और भाविक भाई साहब अभी उथले पड़े हैं तो भाविक भाई साहब अभी सो रहे हैं, तो चलिए उनके लिए बना रही थी ना पराठे, तो फिर मेरे को लगा कि मैं भी खा लेती हूँ दो गर्मा गर्म चाय के साथ, फिर थोड़ी सी मेरे को सब्जी भी ले लेती हूँ आलू की ना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।